सो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा। उसमें आपको बताया नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी जो इसकी जो रिएक्शन होगी, किस प्रकार से अमोनिया बनती है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है और सप्लाई होने लग जाती है इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट, किस प्रकार से कनेक्शन बनता है वो आज हम स्टडी के अंदर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, रूट किसके अंदर है? सोयल के अंदर। रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। ये जो बने हुए हैं ये है रूट हेयर, ये भी रूट हेयर है। ये सोयल पार्टिकल्स है, सोयल पार्टिकल्स। और ये जो रेड कलर में मैंने यहां बनाया हुआ दीज आर दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सी है? राइजोबियम। कौन सी बैक्टीरिया? ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये रूट्स के आसपास है, यहां पे डिवीजन करना स्टार्ट कर दी जाती है, मल्टीपल डिवीजन करती है, बहुत सारी बैक्टीरिया यहां पे हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहां पे रूट हेयर थोड़ा कर्ण हो जाता है, हुक की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पे बैक्टीरिया जब यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे हुक की फॉर्मेशन हो जाएगी और बैक्टीरिया इन्वेड करना स्टार्ट कर देगी इनके अंदर। ठीक है, रूट हेयर्स कर्ण एंड बैक्टीरिया स्टार्ट्स इन्वेडिंग इन द रूट हेयर्स। रूट हेयर में एक इन्वेड करने का क्या होता है, कट करना, उसके अंदर की तरफ हो जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है यहाँ पे डिवाइड होकर बैक्टीरिया इसके आसपास आ जाएगी सारी की सारी, और इसके अंदर इन्वेड करना शुरू कर देगी। इन्वेड के लिए कट हो जाएगी और इसके अंदर की तरफ जाएगी। रूट हेयर से होते हुए जो पीछे बाहरी बाहर कौन सके, ये किसके पास इकट्ठी हुई है? ये जो बाहरी बाहर की सेल होती है कौन सी? एपिडर्मल सेल होती है। ये वाली सेल कौन सी है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल के आसपास बहुत सारी बैक्टीरिया इकट्ठी हुई है, यहाँ पे रूट हेयर भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल डिवीजन हुई है बैक्टीरिया की, देन बैक्टीरिया क्या करेगी, यहाँ पे इन्वेड करना स्टार्ट कर देगी और जो रूट हेयर है वो थोड़ा कर्ल हो जाएगा, हुक शेप बन जाएगा। ठीक है, तो उस और वो बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वेड करना स्टार्ट कर देगी रूट हेयर के अंदर। तो क्या होगा, जो इन्वेड करेगी तो बैक्टीरिया इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगी इस प्रकार से। जिसकी तरफ जो कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स का रीजन है, कॉर्टेक्स की जो सेल है उसके अंदर जाना शुरू कर देगी। तो यहां पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया जब इसके अंदर जाएगी तो यहां पे थिक फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड। एक इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये फॉर्मेशन ऑफ एंड इन्फेक्शन है, इनके क्या हो गया, इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारी जो बैक्टीरिया है इस प्रकार के कनेक्शन बन जाएगा, इनर जो कॉर्टिकल सेल होगी, कॉर्टेक्स की जो सेल होगी उसके अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगी। यहां पे जाके क्या करेगी, बैक्टीरिया भी तो मॉडिफाइड हुई है, और ये क्या करेगी, जो कॉर्टिकल सेल है और जो पेरिसाइकल सेल है उनकी मॉडिफिकेशन शुरू कर देती है, उनकी नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू कर देती है। कौन सी सेल की, जो कौन सी सेल होती है, कॉर्टिकल सेल एंड पेरिसाइकल सेल। पेरिसाइकल सेल जो होती है उनके अंदर क्या है, डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन शुरू कर देती है, यहीं पे नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। ये जो कॉर्टिकल सेल होती है यही नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, नोड्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर मॉडिफाइड जो नोड्यूल सेल होगी, क्या हुआ, एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सोइल के अंदर। कॉर्टेक्स क्या है, प्लांट बॉडी के अंदर होगा ना, प्लांट के अंदर। इनके बीच में डायरेक्ट एक कनेक्शन बन गया है, किसके थ्रू, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू। इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू क्या बन गया, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है कॉर्टिकल रीजन और बाहर जो सोइल के अंदर, एक पूरा कनेक्शन बन गया न्यूट्रिएंट और इनके बीच में, मतलब सप्लाई चेन बन गई है यहाँ पे। यही तो चाहिए ना, ये तो न्यूट्रिएंट्स लेके जाने का है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक इनके अंदर कनेक्शन बन गया, दूसरा जो
जो सेल होगी यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन की वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि ये मैच्योर, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, मैच्योर नोड्यूल सेल। इन्वेटिंग को मैं यहां लिख देता हूं, इन्वेटिंग मैच्योर नोड्यूल सेल। ये मैच्योर नोड्यूल सेल है, ये जो बनी है इसके बाद, ये जो सेल मैच्योर नोड्यूल सेल है। अब जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, जो नोड्यूल की सेल होगी, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, एक तो एंजाइम नाइट्रोजिनेस। जो नोड्यूल होगा, नोड्यूल की यहां पर जो फॉर्मेशन हुई है, जिसका तो पेरी साइकिल सेल है और कॉर्टिकल सेल है, वो डेवलप हो गई है, नोड्यूल फॉर्मेशन यहां पे हो गई है। तो नोड्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एंजाइम नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है यहां पे, लेग हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, लेग हीमोग्लोबिन। अब आपको बताया था स्टूडेंट शुरू में ही, पहले जो पार्ट हमने इसका पढ़ा था उसमें आपको ये बताया था, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है ये क्या करता है, अमोनिया को, इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, अमोनिया के अंदर। किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एंजाइम नाइट्रोजिनेस है वो नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। और नाइट्रो कौन सा कर रहा है, एंजाइम नाइट्रोजिनेस। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, लेग्यूम या लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। आपको बताया था ये जब कट करते हो नोड्यूल को तो एक पिंक कलर आपको दिखाई देता है, वो पिंक कलर किसके कारण होता है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा तो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है, इसके इसमें किसके उसमें ऐसा क्या होता है कि वो ये नाइट्रोजन को इसके अंदर कन्वर्ट करेगा, एंजाइम नाइट्रोजन के अंदर मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करता है, एंड कैटालाइज नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ठीक है। क्या करेगा, कैटालाइज नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। फ्रेंड्स एक बार फिर पूरा प्रोसेस दोबारा देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको दोबारा पूरे को ही, ये क्या है, मैच्योर नोड्यूल सेल। देखिए स्टूडेंट्स, ये एपिडर्मल सेल है, नीचे कॉर्टेक्स है, ये रूट हेयर्स है, यहां पे सोयल पार्टिकल, इनमें बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, राइजोबियम का एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगी, रूट हेयर थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा और बैक्टीरिया मल्टीपल होकर इसके अंदर इन्वेट करना स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, कट कर देंगे इसको और एक कनेक्शन बना लेंगे कॉर्टेक्स और सोयल के बीच में, इस पूरा एक इन्फेक्शन थ्रेट बन जाएगा, बैक्टीरिया पूरे इसके अंदर आएंगे जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर जा रहे हैं, पूरा एक कनेक्शन बन गया, एक क्या हो गया यहाँ पे, चेन बन गई, कनेक्शन चेन यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो कॉर्टिकल रीजन में जो कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो मॉडिफाइड हो जाएगी बैक्टीरिया की हेल्प से, इसमें नोड्यूल बन जाएगी, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो नोड्यूल सेल होगी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम नाइट्रोजिनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेस में क्या प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन, एंड इट कैटालाइज द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। ये पूरी स्टूडेंट्स हमने बात करेंगे सोयाबीन का स्ट्रक्चर बना हुआ जो बनाया है, सोयाबीन के अंदर किस प्रकार से नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है वो आपको सामने रिप्रेजेंट की हुई है। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर इक्वेशन होती है वो भी हम स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायग्राम देके पूछ लिया जाता है किस प्रकार से बनता है, इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, कॉर्टिकल सेल कहां पे है, कॉर्टिकल सेल में क्या होगा,
ये आपने वर्टिकल सेल में क्या है वो सेल क्या हो रही है, मोडिफाइड हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, जो कोर्टिकल जो सेल है वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियोइड्स बन जाती है, बैक्टीरिया जो सेल है नॉर्मल वो मॉडिफाइड किसके अंदर हो जाती है, बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया वो किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, बैक्टीरियोइड्स के अंदर। और वो क्या करेगी, इनर जो कॉर्टिकल और पेरिसाइकल जो सेल होगी उनको नोड्यूल बनाएगी, उनकी उनकी मॉडिफिकेशन करेगी, किसके अंदर, नोड्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन करेगी। और नोड्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजिनस एंड लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन आपको पता है, नोड्यूल को आप जब कट करते हो पिंक कलर का सब्सटेंस निकलता है उसे क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट इसकी जो इक्वेशन है या पूरी जो फॉर्मेशन है, रोल ऑफ द प्रॉपर रोल ऑफ द नाइट्रोजनस एंड द लेग हीमोग्लोबिन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। वो अपने जो टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, तो आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना, ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।